प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। करना है शुरू? हाँ रूपाली जी, चालू कर दो, आप स्टार्ट करो, पहले जो जुटता जाएगा जैसे जैसा। हाँ, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो सभी लोग जल्दी से जल्दी और जुड़ने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। और आप सभी का सबसे पहले ओईएम लेडीज विंग के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और ओईएम लेडीज विंग प्रेजेंट अपना ये मैजिक टच इत मीनाक्षी जी के द्वारा आज हम प्रोग्राम अरेंज हुआ है। तो वो है हमारे, जिनके द्वारा आज ये प्रोग्राम हुआ है, वो है हमारे प्रेसिडेंट पूजा जी मोहता, सेक्रेटरी विद्या जी दरड़ा और ट्रेजरर पूजा जी काकरिया। इनका मैं दिल से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ हमारी पूरी एंटायर टीम जो काफी एक्टिव है, उनके बारे में मैं कहना क्या चाहूंगी। और साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर मनीषा जी चोरडिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा सेशन मार्च महीने में जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है उसका सेलिब्रेशन ध्यान में रखते हुए किया था, पर कुछ कारणवश वो आगे पीछे हो गया। तो कोई बात नहीं है, कहते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी। कहते हैं एक नारी सब पे भारी, चाहे सारी दुनिया जिस पे वारी। तो हमारे लिए हर दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे ही है। तो प्रोग्राम की शुरुआत हम सबसे पहले हमारे महामंत्र नवकार से करेंगे। जिनके स्मरण से होता है जीवन पावन, जिनके स्मरण से होता है जीवन पावन, आत्मिक सुखों का बरसता है सावन, आत्मिक सुखों का बरसता है सावन, पंच परमेश्वरी भगवान को हम करते हैं सब मिलके वंदन। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सीतानम, ओम नमो आयरियानम। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। ओम नमो जायानम, ओम नमो लोय समसाउनम, एसो पंचनमोकारो। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानं च संवेसिं, परमं हावै मंगलम्। हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तो हम महिलाओं के बारे में तो आप सभी ने व्हाट्सएप पे बहुत पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो स्पेशली आज मैं मीनाक्षी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और उनका मैं आज हमारे ओईएम महिला विंग की ओर से वेलकम कहना चाहूंगी। उनको देख के मुझे दो लाइन याद आ गई है, अपने कर्तव्य संग मीनाक्षी जी भर रही है उड़ान। अपने कर्तव्यों के संग मीनाक्षी जी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। यही तो है हम नारी की पहचान, यही तो है हम नारी की पहचान। आज एक महिला ही हमारे दिशा और दशा बदलने वाली है। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं मीनाक्षी जी का हम सब तालियों से जोरदार उनका वेलकम करेंगे। ऐसा सभी ने तालियां बजानी है उनके लिए एक बार। हमारे साथ में ऐसा थैंक यू सो मच। व्यक्ति महत्व है जो पिछले 10 साल से सोशल एक्टिविटीज में बहुत आगे हैं, और उनको देख के ना मुझसे रुका नहीं जाता है। 4 लाइनें याद तो आ ही जाती है। सोशल वर्क करना जिनको जान से भी प्यारा है, सोशल वर्क करना जिनको जान से भी प्यारा है, और महिलाओं के लिए और सब बहनों के लिए जिनका उठता हरदम नारा है,
जिनका हुट्टा हरदम नारा है, समाज ने जिन्हें अनेक पुरस्कारों से दुलारा है, ऐसे हमारे मीनाक्षी जी महिलाओं में चमकता सितारा है, महिलाओं में चमकता सितारा है। प्लीज वेलकम मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच, आपकी पूरी टीम को दिल से थैंक यू, और मनीषा आंटी को स्पेशली थैंक यू जिन्होंने मुझे आप लोगों से मिलाया, एक मौका दिया कि जो मैं कर रही हूँ काम उसको एक उड़ान देने का, उसको एक आगे मिलाने का सबसे। तो थैंक यू मनीषा आंटी, और मैं सारे यहाँ पर सारे जितने भी लेडीज जुड़ी है मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपना टाइम समझो। आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला है, कुछ सीखने के लिए टाइम निकाला है, तो मल्टीटास्क ना करके एक ही जगह पर रिलैक्स होकर आप बैठो। मे बी ये जो आप बैठ रहे हो, एक मार्क दे देना अपने बुक और पेन से कि आप अपने आप लाइफ को कहाँ देख रहे हो, और हम 1 घंटे के बाद वापस उसका ग्राफ चेक करेंगे कि रियल में हमने इस टाइम को प्रोडक्टिव यूज किया या नहीं किया, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम, आपकी पूरी टीम, जितने भी बाकी के मेंबर्स हैं, आपकी पूरी इवेंट की टीम है, प्रेसिडेंट है, सारे लोग हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि एक कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एनजीओ से सबसे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना, भले वो 2 घंटे का हो, उसके लिए उनको 15 दिन पहले से मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज अब मैं सारे मेंबर्स को बोलूंगी, पहले आपको सबको, आपके प्रेसिडेंट, आपकी इवेंट टीम और जो भी कमिटी मेंबर्स हैं, उनको दिल से थैंक यू कीजिए, क्योंकि थैंक यू मीनाक्षी जी, इट रियली टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स एक्चुअली। यस क्योंकि कैसे ना, बोलना बहुत इजी हो जाता है कि चलो एक सेमिनार है, एक वेबिनार है, बट उसके पीछे पूरी इवेंट टीम, पूरी लोग कितने काम करते हैं। और अगर आप दिल से उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, क्योंकि हम शुरुआत ही अपने से करते हैं, हम बाहर बाद में जाएंगे, हम पहले अपने से शुरुआत करते हैं, तो प्लीज अपना टाइम समझो। मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप अपना टाइम इंपॉर्टेंट है, हम कोई किसी के लिए वेट नहीं कर सकता है, हर एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज फर्स्ट तो आप लोग वीडियो ऑन करो, आपकी अटेंडेंस, आपके बच्चे अगर स्कूल में ऐसे ही लाइव लेक्चर अटेंड करते तो चलता, नहीं चलता, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो। आप लोग बहुत बोलते ना, बहुत एक्टिव हो, बहुत अच्छे हो, बट हमें डिसिप्लिन, आपसे ये सारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके सारे वीडियो ऑन हैं, आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हर चीज के आंसर्स दे रहे हो, तो टीम और उत्साह रहेगा, अगली बार आपको और अच्छा इवेंट मिलेगा और अच्छे प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो ट्राई करो कि कैसे हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। फर्स्ट तो आप लोग, आपकी टीम, प्रेसिडेंट को, पूरी कमेटी टीम को ऐसे अप्रिशिएट कर सकते हो कि एटलीस्ट आप जहां भी हो वहां रिलैक्स होकर बैठो, 1-1.5 घंटा जो भी हमें मिला है उसे हम अच्छे से यूज करते हैं, कुछ सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं, ठीक है। और ट्राई कीजिए प्लीज, आप लोग सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए। और जब मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ तो चैट बॉक्स में आप लोग आपके आंसर रेडी रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये कोई सॉरी बट कोई प्रवचन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बोलते गए हम सुनते गए। एक बुक और पेन रखो, यहाँ से जो भी मिलेगा, आपको जो लगता है कि ये चीज मेरे रिलेटेड है, देखो हम अगर डीमार्ट जाते हैं, डीमार्ट में बहुत सारे सामान है, बहुत सारे, उनको तो सब बेचना ही है, बट हम क्या करते हैं, हम कुछ लिस्ट घर से बनाकर जाते हैं, कुछ वहां पर जाते हैं, कुछ अट्रैक्टिव लगता है, कुछ लगता है कि हाँ ये मेरे यूज का है तो हम इसे ले लेते हैं। वैसे ही आज का ये वेबिनार है, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, मे भी ऐसी चीजें होगी जो आप बचपन से जानते हो, मे भी कुछ नया होगा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये मेरे रिलेटेड है, शायद मुझे काम आ जाए, क्योंकि तो जो आप सुन रहे हो वो शायद आपको कल तक याद रहेगा, लेकिन जो आप लिखोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होते जाएगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली सारी चीजें प्रूव है कि जैसा आपके थॉट्स होते हैं वैसे आपकी लाइफ बनती है। कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हम सोचते हैं कि इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ये किसी की वजह से नहीं होती, ये सब हमारा ही किया कर्मा है जो हमें आगे दिखता रहता है। तो अगर लोग यहाँ से जुड़े हैं, समझो कि ऐसा होता है कि आज हमने एक्सपेक्टेशन किया होगा यार, इतनी लेडीज, प्लीज डिस्टरबेंस नहीं हो, आप लोग काम रखिए, नहीं पड़ेगा। शिल्पा जी प्लीज, की आवाज आ रही है, आप म्यूट कर दीजिए, आप उन्हें म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग आज जो भी आप सीख रहे हो, कर रहे हो, वो सिर्फ आप तक मत रखना,
क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि घर में अगर एक मेंबर भी सीख लेता है, अगर एक मेंबर भी इसकी प्रैक्टिसिंग करना शुरू कर देता है, इसकी सारी वाइब्स, इसकी सारी वाइब्रेशन, इसके सारे जो फायदे हैं वो आपको आपके आसपास दिखेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करती हूँ तब आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है। अगर मुझे लगा कि मुझे आपसे सुनना है तो मैं आपको कहूंगी अनम्यूट होने के लिए, तब तक एक डिस्टरबेंस नहीं हो उसका ध्यान रखें, और इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि हम अपने आप को म्यूट रखकर आगे का काम करें। ठीक है शिल्पा जी, फिर भी कहीं से आवाज आ रही है। ठीक है चलो, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि प्लीज आप अपने वीडियो ऑन कीजिए, एक अच्छे से रिलैक्स होकर एक जगह पर आराम से बुक और पेन और पानी की बोतल साथ में लेकर आराम से बैठ जाइए। ठीक है, तो आर यू रेडी, चैट बॉक्स में बताइए, आपको मेंटली फिजिकली सब जगह रेडी होना है। यस यस यस, क्योंकि जितना आप यस कर रहे हो, ये यस, ये आपके अंदर का जो जवाब है ये मेरे तक नहीं, यूनिवर्स तक जा रहा है। तो अगर आपको रेडी रहना है तो इसे दिल में मत रखो। यस, अगर आपको सीखना है उसके लिए यस, उसके लिए यस कब बोलोगे, जब वो दिल से निकलेगा। ठीक है, अब समझो कि कहाँ गया, ये एक बॉटल है, दिख रही है आपको, ठीक है, पानी की बॉटल है, मुझे इसमें और पानी नहीं भरना है, तो मैं कैसे भर सकती हूँ, उसका जवाब नहीं कौन देगा? मैंने तो वो खाए थे इनके ये एक पानी की बोतल है, मुझे इसमें और पानी भरना है, इसका जवाब कौन देगा? शील खोल के, कैसे ऊपर भर सकते हैं इसको और? वेरी का शील खोल के। अच्छा गुड, ठीक है, आपको पता, ये तो पता है कि ये पानी के बोतल में ढक्कन लगा हुआ है, अगर इसमें मुझे और पानी भरना है तो मुझे ये ढक्कन खोलना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग के ढक्कन लगे हुए इतने सालों से, अगर कुछ बैठे नया सीखना है तो आपको वो ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो आप आज का सेशन, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपने माइंडसेट करके रखा है, उसको सबको साइड में रख देना। ठीक है, अपने आप को एक जीरो लेवल पर रखना, ये मत सोचना ये तो मुझे पता था, कि ये मुझे ये नहीं पता था, कुछ क्वेश्चन आंसर आप पेरिस एक फोन वाली हो रही सुनते है जाओ। वो उससे मिला रहे हैं। शिल्पा जी प्लीज चेक कीजिए ना कहाँ से जी आप सर, सबको वाईफाई मनी कनेक्ट करना है सर। म्यूट कर सकते हो, मीनाक्षी मीनाक्षी जी, सबको। आप सबको म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑन। सबको मालूम रहे गिर रहे थे ना उधर मुझे कुछ पैसा नहीं पापा कहीं नॉट गिर। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, हर नई नई चीज को सीखना पड़ता है, जो जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो वाईफाई सब लोगों ने कनेक्ट ढक्कन खोल दिए माइंड के, रेडी कर ना? यस, एक दो। स्माइली फेस, एक एनर्जी लेवल, एक एंथुसिएज्म दिखना चाहिए कि नहीं सही में हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, सिर्फ किसी को अटेंडेंस दिखाने के लिए। नहीं देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर अगर पार्टिसिपेंट 26 हो, करें, अरे अगर यार एग्जाम तो हम है वो सेकंड कनेक्ट हुए कि नहीं देखे फर्स्ट। हेलो कैमरा मेरी साउंड क्लियर है सबको? यस, चलो थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइंट हुए हैं, यहाँ पे 10 हो, 20 हो या 100 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सिर्फ काउंटिंग, क्योंकि हम क्या, हमको पता है जो यहाँ पे है वो क्वालिटी वाले, सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें, क्वालिटी भी चाहिए। अगर हम क्वांटिटी कर देंगे तो हमारा भी, बोलते ना, हमारी वाइब्रेशन ऐसे डिवाइड होगी जहां पर जरूरत ही नहीं है। तो बी क्लैप फॉर यू, अपने आप के लिए कि हम कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सुन रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये काउंटिंग मैटर नहीं करती है, बस आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
क्लियर है सबके लिए? ये आप आज आपका आपके लिए ये पूरा पीपीटी मैंने बनाया है, तो प्लीज एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। जो भी आंसर है आपके चैट बॉक्स में रेडी रखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच उत्कर्ष टीम को और पूरी टीम को कि आज के ये सेशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी की लाइफ में कुछ न कुछ, चाहे 0.1% भी क्यों ना हो, कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं एक छोटा सा मेरा एक मैजिक टच का एक आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये मैजिक टच अपने आप में ही मैजिकली शुरू हुआ है मेरे साथ में। जब जैसे कोविड का टाइम होता है तो बहुत लोगों की लाइफ में था कि यार कोविड से मेरी लाइफ खराब हो गई, बट मेरी लाइफ कोविड से 360 डिग्री चेंज हो गई। 360 डिग्री मैंने मेरी लाइफ को चेंज किया है सिर्फ और सिर्फ इससे ही। तो मे बी ये आपको हेल्प करेगा, और मैं मुझे इसी मैजिक टच के लिए डॉक्टर शिवांगी मलेटिया से एक अवार्ड भी मिला था, जो मेरे लिए बोलते ना ये मेरी एक लाइफ का एक बड़ा ड्रीम था उनसे मिलना, जो पॉसिबल हो सका। इसके साथ ही पूरी कोविड में जितने भी जितना समय मैं यहाँ से शुरू किया है और आज तक, मैं अवेयरनेस लेक्चर, ऑनलाइन सेशन, ऑफलाइन सेशन मेरे शुरू है, कंटिन्यू चालू है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट ही वो है कि हमें अवेयरनेस में लाना है, इस दुनिया में क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं। सॉरी, यू कांट चेंज योर पास्ट बट यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड चेंज योर फ्यूचर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले का, ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी सास ने ऐसा किया, मेरे मम्मी पापा ने ऐसे किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे करते, पास्ट का रोना धोना हम सब वही चीजें अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारी चीजें कंटिन्यू कैसे होती है, हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे विचारों से, हमारे विचारों से ही हमारी दुनिया बनती है। और हम क्या करते हैं, उसी विचारों को बार बार सोचकर, जब भी फ्री हो तो यही काम, फिर जब हम कोई काम नहीं है किसी को कॉल किया वही काम, अरे मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। आप साउंड इज क्लियर? साउंड इज क्लियर? प्लीज रिप्लाई कीजिए ना चैट। यस यस, यस, आवाज आ रही है आपकी। ओके, किसी का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को कॉल पे भी बात करते हैं तो हम पहले वही, हमारे साथ ये हुआ, हमने तो इतनी तकलीफें देखी, ये सारे पास्ट के रोने धोने वही के वही चालू है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे मैं भी करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मुझे पता चला कि इसी के वजह से मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है, मैंने उसी टाइम पे ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। आपको क्या करना है, हम उस पास्ट को साइड में रखेंगे, उनसे जो भी हमने सीखा है सिर्फ उसको ही लेंगे, और हम अपना जैसा मुझे चाहिए, जैसा हमें चाहिए, जैसा एक माइंडसेट है कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, आपका फ्यूचर वैसा ही होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपका पास्ट जो भी हुआ है उसे 1 2 3 कर दो अपने, मैंने बोला ना आपने ढक्कन खोल दिया है, तो सबसे पहले वो फाइलें निकाल दो कि जिसने पास्ट से जो मेरे को अकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, जो भी मेरा है, हम आगे इसके साथ में और प्रैक्टिस करेंगे, बट वो चीजें आपको निकालनी है आपके माइंडसेट से, उस बॉटल से वो सारी चीजें, वो फाइलें, वो माइंड से सारी फाइलें निकालनी है। उसमें से सिर्फ हम लोग लर्निंग लेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारा फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे सपने, हम बोलते हैं ना कोई बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या सपने में रह रहा है, सपनों वाली बातें कर रहा है। यस, आपके सारे सपने पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि वो पूरे हो, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कितने छोटे से छोटे स्टार जो एक रात में ही ऊपर हो गए, उनके भी सारे सपने सच हो गए, बट वो कैसे होते हैं,
उसके साथ हमें कैसे काम करना पड़ता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में सारी चीजें, सारे आपके ड्रीम्स, सारे डिजायर, सारी चीजें पॉसिबल है, बट उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपने सपनों को कभी भी छोटा मत देखिए। ये मत सोचिए कि यार, समझो कि अगर मैं 1 BHK में रह रही हूँ तो मेरे पास कभी 3 BHK, कभी 5 BHK होगा। होगा, 100% होगा। अपना यूनिवर्स टाइम लेगा, आपका एग्जाम लेगा। अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हो तो वो चीजें सारी पॉसिबल है जो आपने सोचा है। तो एक क्वेश्चन ये है कि ऐसी कोई चीजें है आप लोगों की लाइफ में जो आपने लास्ट 5 ईयर्स में सोची थी और आज वो आपके सामने है, किसी भी फील्ड में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फैमिली रिलेशन में हो, कोई भी हो, ऐसा जो 5 साल पहले कुछ थॉट प्रोसेस में रखा था और आज वो कंप्लीट हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये 5 साल पहले मैं सोचती थी, 10 साल पहले मैं सोचती थी और आज मेरी लाइफ में वो चीजें है, कोई शेयर करना चाहेगा? यस, एक सेकेंड। एक्चुअली ये फैक्ट है कि जो हम सोचते हैं वही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि जैसे लाइक मेरे हस्बैंड रिलेटेड, मैं उनको हमेशा सपोर्ट करती हूँ, आगे वो बढ़ते रहे, इसके लिए मैं हमेशा उनको मोटिवेट करती रहती हूँ। तो मैं 5 साल पहले अगर देखती हूँ तो, और आज 5 साल में तो काफी चीजें उन्होंने अचीव करी है, मॉनिटरी टर्म में भी, एज अ प्रेजेंट के हिसाब से भी बोलो या उनके फील्ड में, ही इज अ CA, तो उन्होंने उनके फील्ड में भी काफी अचीवमेंट किया है। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस अगर मेरे चाइल्ड से रिलेटेड भी बोलूँ तो मेरे चाइल्ड ने भी काफी डेवलप किया है, जो मैंने सोचा है उस हिसाब से पॉजिटिव कही है, और कभी निगेटिव सोचा है तो निगेटिव भी हुआ है, मतलब वाइस वर्सा भी हुआ है, सेम हुआ है। यस यस यस, एक्सपीरियंस है। और भी अगर किसी को शेयर करना है, क्योंकि क्या होता है ना, हम 5 साल पहले अगर अभी भी अगर आप बैठोगे 5 साल पहले कोई भी चीज, एक समझ लो, अगर समझ लो कि मुझे ऐसा था कि यार मेरे पास है ना ऐसा सेट होना चाहिए, गोल्ड का सेट होना चाहिए, डायमंड का सेट होना चाहिए मेरे पास, मुझे मेरी लड़की है उसके लिए एक अच्छा जमाई मिल जाए, मेरा बेटा है उसके लिए मुझे एक अच्छी बहू मिल जाए, कहीं ना कहीं जो थॉट प्रोसेस है वो आपके लिए इतना काम करता है कि वो चीजें रियलिटी बन जाती है। लेकिन क्या होता है कि ये सारी चीजें हमें पता नहीं थी, तो हम क्या कर रहे थे, कुछ अच्छी भी चीजें कर रहे थे और कुछ बुरी भी चीजें कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, कुछ नेगेटिव भी कर रहे थे, जैसे कोविड आया, अरे यार ऐसा नहीं हो जाए, कहीं कोई मर गया तो, किसी को कुछ हो गया तो, ये सारे नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं हम इनवाइट कर रहे हैं। और आगे भी मैं तो बोलूं, चलो ये एग्जाम्पल था, हमारी लाइफ लर्निंग थी, हमारे लाइफ टाइम में हमने 2 साल में जो नया एग्जाम्पल देखा है, अगर अभी ऐसा कोई भी इवेंट, हमारे कोई भी चैलेंज, हम कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते, तो हमारी लाइफ में अगर जो भी प्रॉब्लम्स वर्ड बोलते हैं हम उसको चैलेंज बोलते हैं, क्योंकि चैलेंज ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। तो जब आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई भी चैलेंज होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या चाहे कोई भी चीज का हो, उस चैलेंज के लिए जब आप रेडी हो जाते हो एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस क्रॉस कर दिए, तो अब इसके बोलते ना, ये चैलेंज क्या, इससे बड़े बड़े चैलेंज आएंगे तो हम उसको गले लगा देंगे कि चल भाई आ जा, अब तू कर तेरा, मैं करूंगी मेरा। क्योंकि क्यों, हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग है, हमारा थॉट लेवल इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये आपके थॉट्स की, ये अपने आप में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक के पास ही ये ताकत है, भगवान ने ये ताकत सभी के अंदर दी है, बस क्या था, इतने दिन हमें पता नहीं था। अगर ये पैन है, अगर मैं इसको फेंकूंगी तो ये नीचे जाएगा, ये यूनिवर्सल लॉ है ना, ये तो हमने बचपन से देखा है, कोई भी चीज ऊपर से फेंको नीचे जाती है। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब भी रहेगा तो भी वो भी फेंकेगा तो नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नियम है, यूनिवर्स का एक नियम है कि जो चीज आप ऊपर से फेंकोगे वो नीचे ही जाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, चीजें बनना शुरू हो जाती है। मे बी ऐसा होता है कि हमने कभी, जैसे लास्ट 2 ईयर्स जब हम लोग लॉकडाउन में थे, तब हम ये सोच रहे थे कि यार काश ये खुल जाएगा, उसके बाद कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, और चीजें बनती गई। अब कुछ भी हम न्यूज चैनल में बोलते हैं ना, हम जंक फूड ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको भी बंद कर दें, आपकी लाइफ में 80% 90% सारी प्रॉब्लम की जड़ है न्यूज पेपर और मीडिया। ठीक है, अगर आप इसको एक हफ्ता, अगर आप जो रेगुलर देखते हो, सुनते हो और पढ़ते हो, हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर के बिना तो मेरी चाय नहीं जाती। आपको पता है, हम खाने के लिए इतना सोचते हैं कि
अच्छी क्वालिटी का तेल यूज करो, अच्छी क्वालिटी की दालें यूज करो, लेकिन सुबह उठते ही चाय के साथ आप इतना बड़ा एक पॉइजन आपके माइंड में डाल रहे हो, एक जंक फूड डाल रहे हो। कभी न्यूज़पेपर खोलकर देखा है, आज के 10-15 साल पहले की न्यूज़पेपर की क्वालिटी क्वांटिटी अलग थी, अब उन्होंने क्या कर दिया है, क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी और उसमें भी क्वालिटी वर्स्ट। सारी नेगेटिव चीजें होती है, आपको कोई भी फ्रंट पेज पे कोई भी पॉजिटिव आपको कहीं नहीं दिखेगा। अगर आपको रियल में प्रैक्टिस करना है और आपको लगता है मैं रियल में न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, क्योंकि अब आपका थॉट लेवल आपको पता है, नेक्स्ट 8 से 10 दिन मेरे बोलने से सिर्फ बंद कर देना न्यूज़पेपर। मेरे घर पर 3 साल से बंद है, नो न्यूज़पेपर, चाहिए ही नहीं न्यूज़पेपर। जिससे मेरे घर में मुझे लगी तकलीफ हो, क्या होता था कोविड के टाइम पर, जैसे न्यूज़पेपर आया उसमें भी यही, इतने पॉजिटिव यहाँ पर, इतने नेगेटिव यहाँ पर, इतना ये हो रहा है। न्यूज चैनल खोलो, सारी चीजें यही। मैं मेरी लाइफ की बता रही हूँ, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट फर्स्ट 3 महीने में हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं दिखता था। सुबह उठ के न्यूज़पेपर, फिर टीवी में देखती थी वही न्यूज आती थी, फिर खाना बनाती थी तो दिमाग में वही रहता था, यार ध्यान से करो कहीं इसमें ये नहीं आ जाए, ये मेहमान जो आया हुआ है अभी वो कहीं मेरे घर पर नहीं आ जाए। सबको बचा बचा कर बोलते ना, बहुत परेशान होकर हम लोग पहुंच गए राजस्थान कि चलो वहां पे हम सेफ रहेंगे, लेकिन मेरे मन में थॉट में क्या था, कहीं मुझे नहीं हो जाए। तो क्या करें, यूनिवर्स को ये पता नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो। मेरी सोच ने मेरे पे काम कर दिया, वहां पर 2 महीने के बाद मैं खुद ही पॉजिटिव हो गई, मैं क्वारंटाइन सेंटर पहुंच गई। वो 8 दिन मेरी लाइफ के सबसे बड़े सबसे अच्छे, जैसे बोलते ना हम घर से बैग लेके निकले तो मुझे लगा कि वापस मैं आऊंगी कि नहीं आऊंगी, क्योंकि तब थॉट प्रोसेस वही था। लेकिन टच वुड, वहां पर मुझे ऐसे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जहां मैं नेचर के रिलेटेड थी, जहां मंदिर का एक वाइब्रेशन, एक नेचर मेरे साथ था, और वो 8 दिन मेरी लाइफ का 360 डिग्री करने वाला टाइम था। तो कभी कभी हमारी लाइफ में जब जंपिंग आती है, जब कोई बुरा होता है तो भी कुछ अच्छे के लिए होता है। तो वो मेरे लिए, मैंने कहा ना वो सबसे बुरा पॉइंट था, वो मेरे थॉट प्रोसेस में था कि मुझे नहीं हो जाए, वो मेहमान मेरे गले नहीं लग जाए, लेकिन वो मेहमान मेरे गले लगा। मैं पहुंची, मैं वहां पर रही, तब मुझे पता चला नियर वन क्या होता है। रियल बोलते ना, जब हम साथ में रहते हैं उनकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब हम किसी से दूर होते हैं तब हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो वैसे ही हमारी भी लाइफ में, आपकी भी पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा कोई झटका लगा होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, कुछ भी हो, जो भी होता है, यूनिवर्स के हम सब बच्चे हैं, हम उस शक्ति के बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो कभी हमारा बाल बांका नहीं होने देगा। वो कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, जब तक आप नहीं सीखोगे आप उसी चीज में घूमते रहोगे। और अगर आपने सीख लिया, से थैंक यू भगवान मैंने ये शक्ति को कि भाई ये चीज मैंने सीख ली, बस आप नई लर्निंग पे आ जाओ। तो बस जो भी आपको मिलता है, जो भी आप सीख रहे हो, उसके साथ आपको अटैच रहना है, ठीक है? उसको अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज मेरे लिए अच्छी है, शेयर टू अदर्स, किसी की दूसरे की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करो। जरूरी नहीं होता है कि लाखों रुपए के दान करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आप जो भी दे रहे हो किसी को दिल से देते हो, तो वो अबेंडेंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से आपके पास कहीं ना कहीं से आता है। जब आप किसी को दो को अप्रिशिएट कर देते हो, किसी दो की तारीफ कर देते हो, दिन में ना एक ये होमवर्क करना, दिन में 3 लोगों की, कम से कम 3 लोगों की तारीफ करना, और उसमें से एक लोग ऐसा होना चाहिए, जो भी एक पर्सन है वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप हमेशा टोकते हो। अगर आप उसको कह दो चलो आज आपकी हेल्पर है, उसने पोछा मारा, कुछ रह गया, कचरा भी रह गया, लेकिन फिर भी आपने बोला कि थैंक यू यार तूने पोछा मारा, कल से ध्यान रखना ये सारी चीजों का, ठीक है? आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, कल देखो कितने अच्छे से करेंगे। ये चीजें होती है, अट्रैक्ट होती है। और वही अगर हम उसको जोर से बोले, हम क्या कर रहे हैं, अगर जोर से बोलते हैं, हम उसको एटीट्यूड बताते हैं कि हम तुझे सैलरी दे रहे हैं, हम बॉस है। एक बात बता देती हूँ, बॉस ना मैं हूं ना वो है, बॉस ऊपर वाला है, हम सिर्फ सिर्फ निमित्त मात्र हैं। अगर मेरे पास से 10 जन को मैं सैलरी दे रही हूँ, 10 जन को कुछ दे रही हूँ, तो मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, भगवान उसको पहुंचा रहा है मेरे जरिए से। तो उस पैसे के लिए अपना एटीट्यूड वैसे मत रखो, वो नॉर्मल इंसान है, वो उसका कर्मा है, वो पोछा मार रही है, लेकिन अगर वो खुशी खुशी मारेगी तो मे भी वो भी आगे बढ़ेगी। आप जो भी अमाउंट उसको दिल से दे रहे हो, वो अमाउंट भी आपकी भी बढ़ेगी। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, अगर हम अपने लाइफ में चेंज कर दें, हमारा बात करने का एटीट्यूड, क्योंकि क्या होता है, हम कभी कभी होता है कि छोटे, जैसे चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, आप सिर्फ ऑटो वाले को दिल से थैंक यू बोल दो कि भाई, और अब ऐसा होगा
क्योंकि किसी को शिकायत होती है यार मेरे यहाँ से ऑटो नहीं मिलता है, ये मेरी भी शिकायत है कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ यार मुझे ऑटो नहीं मिलता है। लेकिन जब से ये प्रैक्टिस शुरू की है ना, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बाहर निकलती हूँ और ऑटो खड़ा रहता है। क्यों खड़ा रहता है? यूनिवर्स का नियम है, आप जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड होगी, कम से कम भले वो पैसे ले रहे हैं, पैसे तो सबको देना है, बट मुझे जब जरूरत है वो मेरे लिए आके खड़े हैं। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें मेरे बोलने से और सुनने से सिर्फ एक दिन तक रहेगी आपके पास, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, आपकी चीजें 360 मेरी चेंज हुई है तो किसी की भी होगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल नॉर्मल लेडी हूँ, नॉर्मल अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ, फैमिली इंजॉय कर रही हूँ, और मैं वो सारे काम कर सक रही हूँ जो मुझे करना है। मैं मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ कि मेरे पास परम शक्ति का आशीर्वाद है। कभी मैं का एटीट्यूड, ये जो मैं का एटीट्यूड होता है ना, यही हमको डुबो देता है। अगर कल पूजा जी बोल दे देखो यार मैंने प्रेसिडेंट होकर ये काम किया, वो काम किया, ये काम किया, थोड़े दिन के बाद असर क्या होगा? और अगर यही पूजा जी बोले यार मेरी टीम वर्क काम कर रही है, हम सब मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक जोश अलग होगा। तो इस मे का एटीट्यूड डस्टबिन में, ठीक है? आपके जो फोल्डर्स हैं वो एक एक खोलते जाना, जो जो मैं आपको भेद बोल रही हूँ, अगर आपको रियल में लगता है कि इसको रख के कोई मीनिंग नहीं है, उसको डस्टबिन में डाल दो, उस फाइल को अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है? चलो, किसी को कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? क्लियर एवरीवन? यस, आपने बोला कि कॉन्फिडेंस के साथ में पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। हम हर बार पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन कभी कभी लोग है ना हमको बोलते हैं कि तू और कॉन्फिडेंट है, तो उसको कैसे टैकल करें? वो मतलब रिवर्ट ऐसे आता है, हम पॉजिटिव बोल रहे हैं लेकिन सामने आता है तू तो ओवर कॉन्फिडेंट जा रही है, तब देन व्हाट टू डू, तब कैसे हैंडल करें? वो क्या है ना, वो उनकी जर्नी है। हाँ अभी एक सेकेंड और बताती हूँ, ना किसी की आपको कंप्लेंट करनी है, ना किसी को जज करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम है तो एक ही परमात्मा की शक्ति, जैसे कि एप्पल है, ठीक है, एप्पल एप्पल पूरा है, लेकिन जब हम उसको सुधार देते हैं बारीक बारीक टुकड़ों में, लेकिन उसका अस्तित्व तो एप्पल का ही है ना, टुकड़ा भी एप्पल है और वो बड़ा है वो भी एप्पल है। तो वो शक्ति, वो परम शक्ति जो हमारे साथ है, हम तो उसके सिर्फ अंश है। तो क्या हो गया कि हमने हमारी वाइब्रेशन को बढ़ा दिया है, हम एक लेवल पे आ गए हैं, अब वो जो है उनको हमको हेल्प आउट करना है, उनको वो लेवल पे लाने की। तो क्या लेना क्या नहीं लेना तो ये हमारे हाथ में है, ठीक है? अगर कोई घर जी के बाहर कचरा रख के जाता है, उसके घर में लेना है या नहीं लेना है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस, आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, भाई कुछ भी कोई भी बोल दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, अगर मुझे ये कचरा नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगी, ठीक है? तो अगर आपको कोई क्योंकि देखो जब हम आगे बढ़ेंगे ना, यूनिवर्स हमारी एग्जाम, जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कि बी कॉन्फिडेंट, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, मेरे साथ भी एग्जाम होगी शाम को, मेरे साथ ऐसा कुछ सिनेरियो होगा बच्चों के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ, कि मुझे कुछ बोलना पड़े, तब मुझे वो लर्निंग याद रखनी है कि मीनू अब शांत रहना, अब नहीं बोलना है। तो ये क्या होता है, ये लर्निंग हमको तुरंत यूनिवर्स सिखाता है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना पूजा की, नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तुरंत आपको एक पर्सन आपके एक ऐसा लाइफ में आएगा कि जो आपको डिमोटिवेट करेगा, तब आपकी लर्निंग, आपने कितना सीखा अपने आप से, आप जो बोल रहे हो मुझे, देखो मैं ऐसे नहीं बोलती कि पॉजिटिव वर्ड बोलते रहो, नेगेटिव भी आएगा, तुरंत करेक्ट करो आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि जो हमारा बोलते ना हमारा सिस्टम, इतने महीनों इतने सालों से, जैसे अगर 40 साल से जो सिस्टम में लेकर चल रही हूँ वो रातों रात नहीं बदलने होंगे। हाँ तो अपने आप को करेक्ट करते जाओ, दिल से करेक्ट करते जाओ कि चलो हाँ मुझे ऐसे गुस्से से बात नहीं करनी थी, मुझे अच्छे से बात करनी थी, यहाँ पर तुरंत करेक्ट कर दो। अगर कहीं लगता है कि मैं रॉन्ग हूँ, अपने आप को बोल दो कि चलो अगर मैंने गलती की है, सामने से जाके बात कर लो, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब यहाँ पर एक एक लेडी जो है वो हम सब एक ही है, हमारा सिर्फ अलग अलग एक रूप है। हम अगर और डीपली जाएंगे तब हम अपने को पता चलेगा यार इसमें जो क्वालिटी है मैं यही तो देखना चाह रही थी, क्योंकि हाँ, हम क्योंकि क्या ये है। होता है, ये एक्चुअली हो चुका है कि अपन उसको बूस्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ तू ये कर सकती है कर सकती है, अब उससे वो नहीं होता है कभी, तो वो बोलती कि तू मेरे लिए और कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसे होता है सिचुएशन, जब नहीं वो सिचुएशन में किसी अभी को हम पॉजिटिव बोले या नहीं। हम स्टॉप कर दे, कैसे टैकल करें दैट सिचुएशन पॉजिटिवली? बस किसी को जज नहीं करना है, जो ओके जैसे चल रहा है उसको चलने दो, चाहे वो बच्चे हो, क्योंकि अगर मैं मेरे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ तो मैं किसी दूसरे के माइंड को कैसे कर सकती हूँ, सिंपल बात है। एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली मैं मेरे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ तो मैं किसी दूसरे के गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ? और क्या होता है, मुझे मेरे बहुत सारे मेंबर्स जो मेरे साथ में जुड़े हुए, मुझे फर्स्ट स्टार्टिंग में ये बोलते हैं, गुस्सा तो मुझे आता ही है,
मेरा ऐसा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, आपने वर्ड्स क्या यूज किए, पावर ऑफ योर वर्ड्स, आप बोल ही रहे हो कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मेरे पास सबसे बड़ी चाबी है, अपने सारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। कोई आपको ज्यादा अप्रिशिएट करे खुश मत हो जाए, बस रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, क्योंकि जैसे अप्रिशिएशन मिला है ना वैसे कोई गिराने वाला भी मिलेगा आपको। तो अगर हम क्या होंगे, किसी के अप्रिशिएशन पे खुश हो जाते हैं और तुरंत किसी ने बोल दिया यार ये क्या है, तुरंत डाउन हो जाते। अपनी चॉइस, अपना डिसीजन खुद लेना सीखो। और बहुत सारी चीजें ना, मैं ऐसे बोलती हूँ, जो हेल्पर है बहुत सारी चीजें हमें वो हेल्पर भी सिखाती है। हमें ऐसा लगता है कि हम उससे काम करवा रहे हैं, लेकिन भगवान हमको ऐसे लोगों से मिलाता है जिनसे आपको कुछ सीखना है। ऐसे ही कोई भी लोग आपकी लाइफ में एंट्री नहीं कर सकता है, आपके थॉट्स ही इनवाइट करते हैं कि कैसे मैं ऐसे लोगों से मिलूं। जब आपका पॉजिटिव थॉट होगा आपको चाहिए वैसे लोग मिलेंगे, आप जो सोचोगे वैसे लोग ही आपके सराउंडिंग में रहेंगे। अब एक टाइम ऐसा था कि एक लेडीज कैसे ना, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट वो जब उसको देखती थी तो मुझे लगता था कि नहीं मैं लो फील करती हूँ। मैंने सिंपल बोल दिया, भाई मुझे जो लर्निंग आपसे लेनी थी मैंने ले ली, थैंक यू सो मच, अब मतलब मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है आपके मेरे लिए लाइफ में। उस दिन के बाद धीरे 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 करके वो मेरी लाइफ से ही निकल गई। क्यों निकली? क्योंकि मैंने उसको एंट्री दी ही नहीं। हमको लगता है कि ये मुझे परेशान करता है, से थैंक यू आपके कुछ सिखाने के लिए मेरी लाइफ में एंट्री ली, मैंने सीख लिया, अब मैं आपसे जो भी मैंने गलती की उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, आप जा सकते हो मेरी लाइफ से। वो लाइफ से धीरे 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 डिसॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत ही मैजिकली काम करता है, ये आपके थॉट प्रोसेस पे काम करेगा। आपका थॉट प्रोसेस क्या लेवल तक आप उसको लेकर जा सकते हो, आप जो चीजें डिमांड करोगे चीजें बनना शुरू हो जाती है। यूनिवर्स को पता नहीं है आप मुंह से पॉजिटिव बोल रहे हो या नेगेटिव बोल रहे हो, लेकिन यूनिवर्स का ये बहुत एक अच्छा नियम है, इसमें आप किसी दूसरे के लिए नेगेटिव नहीं सोच सकते। मैं ये नहीं सोच सकती कि यार सामने जो भी पर्सन है वो नीचे हो जाए, मैं ये सोच सकती हूँ कि यार इससे मैं भी सीखूं और ये भी बहुत आगे जाए। तो किसी के लिए नेगेटिव सोचना क्या होता है पता है? अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसका पहला असर मेरे पे ही होगा। अगर मैं गोला फेंक रही हूँ तो हाथ का गोला पहले मेरे हाथ में, तो आप किसी को भी कुछ फेंक रहे हो तो ये सोच लेना कि वो कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाएगा। अगर मैं किसी का बुरा सोच रही हूँ तो मेरे लिए 10 बुरा सोचने वाले रेडी हो गए, और अगर मैं एक का भी अप्रिशिएशन करती हूँ तो मेरे लिए 10 लोग रेडी है। भगवान मुझे कुछ ऐसे काम करवाएगा कि 10 लेडीज, 10 जेंट्स, 10 जो भी मेरे पास है वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको किस तरफ जाना है ये फ्री विल है, आपको किस तरफ जाना है। आपको ऐसे लोगों से मिलना है कि आपको ऐसे लोगों से मिलना है जिससे मैं कुछ सीखूं, और कभी भी ऐसे ग्रुप में बैठो जहां आपको कुछ सीखना मिले। हम क्या सोचते हैं, हम बॉस है मुझे सब आता है, नहीं, ऐसे ग्रुप में बैठो जहां से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। अगर आप बॉस बन के रहोगे ना तो कभी सीख नहीं पाओ, लेकिन एक लर्निंग लर्नर बन के बैठोगे कहीं पे तो हर एक चैलेंज पे हर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारे जो सपनों की दुनिया है ये हम बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो भी फाइल्स है, जो अनवांटेड फाइल्स है, माइंड से निकलते रहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जय, ठीक है, अब भी आप सोचोगे यार मीरू ने बोला है कि ऐसे चीज मांगो, ऐसे पॉजिटिव मिलो और ऐसे हो जाता है। तो अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे लिखकर भेजना कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने प्रैक्टिस की बट रिजल्ट नहीं मिला। तो जो बिल्कुल भी नहीं जानते वो 1 लिखना, जो जानते हैं बट कभी प्रैक्टिस नहीं किए वो 2 लिखना, और जो बोलते ना किया है बट उसका रिजल्ट नहीं मिला है वो 3 लिखना अपने चैट बॉक्स में। प्लीज एक्टिव सभी लोग अपना आंसर लिखिए। वेरी गुड, ठीक है, चलो हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का 1111 आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे यूनिवर्स के सारे नियम होते हैं वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक यूनिवर्स द्वारा बनाया गया एक नियम है,
जो आप सोचते हो वैसा अपने आपकी रियलिटी बनती जाती है, ठीक है। जैसे ही जैसे आप जो कि थॉट प्रोसेस चलते हैं वो, और बहुत लोगों को ऐसा होता है कि यार मैं मेरे विचारों पर काबू कैसे करूं, क्योंकि एक साइंटिफिकली रिसर्च के हिसाब से आपके थॉट प्रोसेस में, आपके थॉट प्रोसेस एक दिन में आपको 50 to 80,000 इतने विचारों से आपका चलता है। आप कभी ऑब्जर्व करना, एक पल में, एक सेकंड में हमारे विचार बदलते हैं। तो कैसे हम अपने विचारों पर काबू करें और कैसे इसको ध्यान रखें कि भाई मैं जो सोच रही हूँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे सोचूंगी तो पूरा दिन उसमें ही चला जाएगा, अरे ये थॉट आया अभी क्या करूँ, सोचूं पॉजिटिव सोचूं कि नेगेटिव सोचूं। तो ये सारी चीजें बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अट्रैक्ट करते रहते हो। और क्या होता है ना, जैसे हमने समझो कि एक अमेजोन पे एक ऑर्डर दिया है, हम उस अमेजोन के ऑर्डर पर क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हमें क्या चाहिए, साइज क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए, कौन सी ब्रांड का चाहिए, सारी चीजें लिखकर छोड़ देते हैं। अब वो लुकआउट किसका है, अमेजोन का है कि वो चीज मुझे कहीं से ढूंढ के दे देगा। वैसे ही यूनिवर्स का नियम है, आप क्लियर रहो, आपके माइंड से क्लियर रहो मुझे क्या चाहिए। अब आप क्या करना, आपकी बुक पे ऐसी कोई भी एक ऐसी विश जो आप चाहते हो, दिल से बहुत चाहते हो विश कंप्लीट हो जाए, कोई भी रिलेटेड हो, उस विश को लिख देना। और इतना क्लियर लिखना, कम से कम 5 पॉइंट्स उसके लिए क्लियर हो। जैसे समझो कि मैंने लिख दिया कि मुझे मोबाइल चाहिए, कौन सी ब्रांड का चाहिए, मुझे आईफोन का चाहिए, आईफोन में कौन सा चाहिए, iPhone 13 चाहिए, ठीक है, और क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, उसका पूरा पिक्चर आपके माइंड सेट पे रेडी होना चाहिए। तो जो भी विश है आपकी, जैसे मुझे कोई यूरोप ट्रिप जाना है, मुझे यूरोप ट्रिप जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, हाँ सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं अमेजोन पे ऑर्डर डालूं और हर एक घंटे में चेंज कर दूं कि नहीं नहीं चलो इसका कलर ये नहीं, ये कर दूं फिर ये कर दूं, अमेजोन कंफ्यूज, आपको जो आएगा वो पार्सल कुछ अलग ही होगा। तो वैसे ही यूनिवर्स का नियम है कि आप जो भी मांग रहे हो, जो भी चीज हो, उसके लिए क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। अब मैंने कहा कि हम विचारों में रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब नेगेटिव सोच रहे हैं कब पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर हम अवेयरनेस में रहते हैं तो हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। अवेयरनेस में रहना मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे रहना। अगर आप लोग सब अब प्रेजेंट मोमेंट पे अपने आप को फील कर रहे हो तो राइट यस, चैट बॉक्स में लिखो यस। वेरी गुड वेरी गुड। क्या होता है ना, हम अवेयरनेस में रहने के, और एक बताती हूँ, आपके 5 senses आपको अवेयरनेस में लेकर आते हैं। आपके 5 senses, आंखें, आप क्या सूंघ रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, जो भी हमारे पांच इंद्रिया होती है वही आपको अवेयरनेस में लाने में हेल्प करती है। तो कभी आपको ऐसा लगे कि मतलब मैं प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं हूँ, मेरे पास बहुत थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, सिर्फ अपनी आंखें बंद करके आपके आसपास क्या आवाजें आ रही है आपको सुनना है, ठीक है। तो चलो ये प्रैक्टिस हम लोग आज लाइव करते हैं कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, आपके आसपास जितनी भी साउंड आ रही है सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो, चाहे वो किसी का हॉर्न हो, कोई भी आवाज हो, आंखें बंद करके सुनने की कोशिश करना कि आप क्या सुन रहे हो। सब अपनी आंखें बंद कीजिए और आपके आसपास महसूस कीजिए किसकी आवाज आ रही है, फैन है, नेचर से कोई आवाज आ रही है, आपके आसपास क्या आवाज आ रही है। रिलैक्स। जो भी जिसकी भी आवाज आ रही थी आप चैट बॉक्स में लिखते जाओ।
और मैं चाहती हूँ कि सभी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। अगर मैं चाहती तो मैं आपको बोल रही कि आप बोल दो फटाफट, लेकिन क्या हो रहा है पता है, आपने आंखों से सुना, आंखें बंद कर कर जो भी सुना सब कॉन्शियस माइंड में सेट किया कि मुझे किसकी आवाज आई, और मैंने क्या किया उसको रिएक्ट किया, मैंने उसको लिखा, तो आप लोगों ने आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। समझ में आया आपको? ये सारी प्रैक्टिस, आप किचन में भी काम कर रहे हो, आप एक एक चीज बोलते ना, हम बहुत फास्ट काम करते हैं कि यार मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे हमेशा लेट हो जाता है, मुझे ये करना है। एक सिंपल बोलू, किचन में जाओ और स्लो काम करना शुरू कर दो। स्लो काम करने से क्या होगा, आप अवेयर रहोगे, मैं सब्जी सुधार रही हूँ, मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे हम समझो कि कोई रेसिपी सुनते हैं, वैसे अपने आप को दिल में रेसिपी बोलना चालू करो, आप क्या होगा तुरंत अवेयर में आ जाओगे, अपने आप में आ जाओगे। नहीं तो क्या होता है, आप इधर हो फिजिकली बट आपका मन कहीं भटक रहा है, आपका ध्यान उधर है कि उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। लेकिन जब आप अपने आत्मा के साथ, अपने साथ जब रहते हो तो चीजें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी काम करता है। तो उसके साथ क्या होता है, अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट जो जितनी आपकी एज है उतनी मेडिटेशन की जरूरी, बोलते ना जैसे अभी हमको हेल्दी फूड खाना जरूरी हो गया क्योंकि ये मेहमान आया, इसने हमको बता दिया कि भाई अच्छे फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, वैसे ही मेडिटेशन हमारी लाइफ में उतना ही जरूरी है। जब आप मेडिटेशन करते हो आपकी लाइफ तुरंत अपना, बोलते ना एक हमारा जो सही रास्ता है वो हमको दिखाती है। हम चल रहे हैं बट हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन का पता ही नहीं, सिर्फ चल रही है लाइफ, चल रही है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो आपको सही रास्ता, सही पाथ और डेस्टिनेशन भी मिल जाएगा, हमारा लाइफ ऑफ पर्पस क्या है मिल जाएगा। हम इस दुनिया में आए हैं, ये तो सिर्फ बोलते ना हमारा एक फिजिकल बॉडी है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, हम कहीं ना कहीं वापस जब जाएंगे यहाँ से शरीर छोड़ के तो कोई नया जन्म लेंगे। लेकिन ये जन्म, ये शरीर मुझे क्यों मिला, ये शरीर के साथ मुझे क्या करना है, इस लाइफ के साथ मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसी की लाइफ को कॉन्ट्रीब्यूट करने को आई हूँ, ये पर्पस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। सिर्फ जीने के लिए नहीं जीना है, ये तो फिर तो ये बोलते ना हम तो रोबोट के जैसे हो जाएंगे, खाया पिया सोए वापस किए, बट आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हमको ना किसी और को खुश नहीं करना है कि भाई मैं ये कर लू मेरी सास खुश हो जाएगी, मैं ये कर लू मेरे हस्बैंड खुश हो जाएंगे, मैं कैसे खुश रहूंगी, मेरी आत्मा कैसे खुश रहेगी, क्योंकि हम इस आत्मा की फुलफिलमेंट के लिए इस जन्म हमने जन्म लिया है। तो अपनी आत्मा की नीड, क्योंकि क्या होता है ना, हम लेडीज लोगों की लाइफ बचपन से हमारा बिलीफ सिस्टम ही ये कर दिया है, सिर्फ दूसरों के लिए करना है करना है करना है। लेकिन जब आप आत्मा का लेवल पे आ जाओगे, अपनी आत्मा को समझना शुरू कर दोगे, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा कि इस आत्मा को क्या चाहिए, ये आत्मा क्यों आई है इस दुनिया में, इसको क्या हेल्प करनी है, किसी को हेल्प करनी है। तो बस वो थॉट प्रोसेस के लिए अवेयरनेस में रहो, अपने आप को पहचानो। कभी भी ज्यादा गुस्सा आता है, कंट्रोल ऐसे बोलो ही मत कि मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तुरंत स्लो हो जाओ, एक ग्लास पानी पी लो और सबसे सेकंड नेचर के पास चले जाओ, घर से चप्पल पहनो, गार्डन वॉकिंग करने निकल जाओ। क्योंकि आपने भी फील किया होगा, कभी ऐसा हुआ होता ही हमारे साथ या पहले हुआ होगा, बहुत गुस्सा आया हम घर से निकल गए, लेकिन जो घर से निकले और जो आए उसमें बहुत फर्क था। यूनिवर्स हमें इतना देने के लिए बैठा है, यूनिवर्स हमें सब कुछ देना चाहता है क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। बस हमें मांगना आना चाहिए कि हम कैसे मांग रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। अगर हम बोले मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और जाओ आप नेचर के साथ 10 मिनट खाली बैठो आंख बंद करके, आपके सारा जो लेवल, जो प्रेशर है ना, वो अपने आप डाउन। तो ये मत सोचो कि ये मुझे आके मनाएंगे, मेरा हस्बैंड मुझे गिफ्ट ला कर देगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बच्चे मुझे ऐसे करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी मदर इन लॉ मेरी तारीफ करेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। आप कभी खुश नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। अगर मैं मेरी पसंद की समझो ड्रेस लेकर आई हूँ, मैंने पहना, मैंने मिरर में देखा और निकल गई, मुझे 10 लोगों ने मेरी तारीफ की, मैंने तो मेरी खुशी से लेकर आई हूँ ड्रेस, यही समझो मैंने पहना है, मैं बाहर निकली 10 लोगों ने मेरी तारीफ की, मैं और खुश, अरे वाह क्या मेरी चॉइस है। फिर हम प्रोग्राम में गए, वहां पे 4 जन ने मुझे बोल दिया ये ड्रेस यार तेरी एज के हिसाब से ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, कलर थोड़ा ये लेती ना तो बहुत अच्छा लगता। तो कहाँ गई खुशी, हमने क्या कर दिया, हमारा इमोशन का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया, 10 ने तारीफ की प्लस हो गया, 2 ने तारीफ की पूरे माइनस हो गए। इसके लिए अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो कि मुझे अच्छा लगा है, मैंने पसंद करके पहना है, मुझे अच्छा लगा है, मैं बहुत खुश हूँ।
अगर कभी ऐसा होता था पहले, कहीं मैं जाती थी और मुझे बोलते थे यार तू ये साड़ी पहनती है, ऐसे साड़ी का फैशन है, मैं खुशी से बोलती थी मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से खरीद के दिए, आपके शायद हस्बैंड को टाइम ही नहीं है आपके लिए, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे प्यार से खरीद के लिए दी है तो मैं पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद है। और वो लेवल, वो कॉन्फिडेंस, वो तब अनजाने में था, वो आज इतना बढ़ गया कि बोलते ना अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सज मेरे लिए सजती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए सजूंगी, मेरे लिए सजूंगी, बाकी सबका टेंशन मैं क्यों लूंगी कि उसे क्या पसंद है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो तो थर्ड पर्सन की बात है। और अगर इसी में उलझे रहोगे कि मैं से ऐसे रेडी होके जाऊं, ये तारीफ कर लेंगे, वो कर देंगे, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत दो, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। ठीक, क्लियर? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। और क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो किसी न किसी की तारीफ में हम थैंक यू बोलते हैं किसी को। इतने साल तक हम थैंक यू क्यों बोलते थे? हमारे बर्थडे पे किसी ने विश कर दिया, हमारे एनिवर्सरी पे किसी ने विश कर दिया, किसी ने कुछ छोटा मोटा हेल्प कर दिया, किसी ने गिफ्ट दे दिया, हमने थैंक यू बोल दिया। लेकिन इस यूनिवर्स ने आपको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ। अब आपको मैं लिस्ट आउट करने को दूंगी, जो भी आपको भगवान ने अब तक दिया है उनको थैंक यू करना है। ठीक है, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, शायद इतना अच्छा दिया है कि कभी हमने मांगा भी नहीं था, बट हमने क्या किया, उसकी वैल्यू नहीं की। तो आज हमको दिल से थैंक यू लिखना है यूनिवर्स को, गॉड को, कि क्या क्या चीजें उसने हमें अच्छी दी है। क्योंकि मैंने बोला ना, हमारी लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें नेक्स्ट होती है हमारी फैमिली। कहीं ना कहीं हम बोलते ना, इस फैमिली को, इस सोशल मीडिया के चक्कर में इस फैमिली को हम कहीं साइड में रख देते हैं, चाहे वो हमारे अंकल आंटी हो, हमारे मम्मी डैडी हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे बच्चे हो। सोशल मीडिया पे हमने एक फेसबुक पे एक फोटो डाल दिया, उस फोटो पर अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो हम 3 बार स्क्रॉल करेंगे, 4 बार, अरे यार मैंने पोस्ट किया, किसी ने लाइक नहीं किया। ठीक है, और मैंने, मेरे पास ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनके फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट है 3,000, 5,000, और आज जब उनकी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो घर के सिर्फ वो गिने चुने 5 लोग। तो हम क्या कर रहे थे, हम उन 5,000 लोगों को खुश करने के लिए तैयार होकर अपने सारे पर्सनल चीजें, जो हमारी पर्सनल है, जो खुशी मेरी पर्सनल है, हम उनको दे रहे हैं। और उससे क्या होता है, जिसकी लाइफ में चीजें नहीं हो रही है, समझो ये, अब आपको पता है जो हस्बैंड वाइफ ने हंसते हंसते फोटो डाला है, वो उसने 1 घंटे पहले ही झगड़ा किया था या उसके बाद झगड़ा किया था, लेकिन हम क्या बोलते हैं, यार क्या कपल है यार, रोज घूमता है यार। और हम क्या कर देते, उसमें अपने आप को लो कर रहे हैं कि यार मेरे हस्बैंड तो कहीं लेके ही नहीं जाते मुझे, यार ये लोग कितना इंजॉय करते हैं यार, मैं तो कहीं नहीं जाती। आपको उसके पीछे का कुछ पता नहीं है, बट क्या कर दिया आपने, अपने आप को लो कर दिया कि मेरे पास ये हैप्पीनेस नहीं है, ये खुशी नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है, उसको हमने साइड में कर दिया, दूसरे को देखा,